घरेलू झगड़ों का अलमनाक अंजाम। कराची की शमसी सोसाइटी में बाप ने तीन बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। घर से लाशें मिलने पर कोहराम। तबादला में शख्स ने खुद को भी जख्मी कर लिया, अस्पताल में जेर इलाज। सरमायाकारी में नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स रकम का तकाजा कर रहे थे, घर में भी मुसलसल झगड़े रहते थे, जिंदगी से तंग आ चुका था। मुलजिम का मोबाइल फोन पर टाइपिंग के जरिए इब्तदाई बयान। हम दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर होशाब में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशत गर्द मारे गए, एक को गिरफ्तार कर लिया गया, दो फरार। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वतन के मुहाफिज बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़ुम। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल कंवर जावेद बाजवा छड़ी नए सिपाह सालार को सौंपने के बाद ओहदे से सुबकदोश। जनरल हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब। साबिक अस्करी क्यादत, हाजिर सर्विस अफसरों, वफाकी वजरा, सिफारतकारों और अहम शख्सियात की शिरकत। और वजीर आजम का नया आर्मी चीफ को टेलीफोन। जनरल आसिम मुनीर को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बहादुर अफवाज का सिपाह सालार बनना बहुत बड़ा एजाज है। वतन अजीज के दिफा और सलामती के लिए भरपूर ताबुन जारी रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।